Hi guys, welcome to Mom's Real Life Journey. This is Meeta Kumar. Hello, bolo. Hello, bolo. Hi. Hello, guys. Hi guys, today is Sunday and we are going to Noida. As you know, my husband was hospitalized, so now he is fine, and we are going to Noida for a meeting with a doctor. जो कि इनको चेक करेंगे और बताएंगे, क्योंकि ये स्पोर्ट्स रिलेटेड डॉक्टर हैं, एंड साथ के साथ आउटिंग भी कर लेंगे, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन वाइफ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम अपने एक दूसरे को टाइम दे सकें या टाइम स्पेंड कर सकें या बच्चे को भी टाइम दे सकें. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ये ऑलवेज अपने कॉम्पिटिशन की वजह से बिजी रहते हैं और हम लोगों को बहुत स्मॉलर क्वान्टिटी में ही टाइम मिल पाता है. तो हम अब नोएडा जा रहे हैं एक मीटिंग के लिए, डॉक्टर मीटिंग के लिए, और इसलिए आज हम सुबह जल्दी निकल रहे हैं. तनु भी उठ गया सुबह सुबह. और तनु गुड मॉर्निंग बोल दो सबको. गुड मॉर्निंग बोलना. हेलो. गुड मॉर्निंग बोल दो. ड्राइविंग द कार मिस्टर नीरज कुमार. हेलो गाइस. वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जाना है, और इनको ड्यूटी जो है अपनी 13 को ज्वाइन करनी है. तो हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है, जिसमें हमें इनके डॉक्टर की मीटिंग के साथ साथ थोड़ा सा अपने बच्चे को भी घुमाना है, क्योंकि आप लोग जानते हो बच्चे को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है. इसी के लिए हमें अलग से सोचना पड़ता है. बच्चे को भी अपने पापा या मम्मी, दोनों पेरेंट्स का साथ चाहिए होता है. बच्चे बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं, और आर्नोल्ड भी जब किसी मीटिंग में कहीं जाता है या बाहर जाता है, तो वो देखता है कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं, तो उसको भी फील होता है. तो इस चीज़ के लिए आज उसके पापा के पास टाइम था थोड़ा सा, तो हमने ये प्लान बनाया संडे का. और वो अर्ली मॉर्निंग का प्लान था कि हम 8:30 तक वहाँ पहुँच जाएँ, पर हम लोग अभी लेट हैं. तनु ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसको सुबह सुबह अपना एक चीज़ मिल गई है, वो लगा है सो खाने. जाते वक्त कुछ ना कुछ बच्चों के लिए रखना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है बच्चे बहुत तंग करते हैं रास्ते में. पर अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें रास्ते के लिए रख लेते हैं तो बच्चे उसमें एंगेज हो जाते हैं. जाने से पहले अभी हम एक पेट्रोल पंप पर रुके हैं, उनकी थोड़ी सी फूल करवाएंगे और थोड़ी सी टायर्स की हवा देखेंगे, ताकि रास्ते में कोई भी परेशानी ना हो. तो रास्ते का अपडेट चलता रहेगा आपके साथ, बिकॉज लॉन्ग रूट में ये बहुत ज़रूरी होता है पहले से चेक करवाना फॉर सेफ्टी पर्पस, ताकि किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस से बचा जा सके. बिल्कुल अभी इंगेज है अपने खान पान में, अभी उसको कोई मतलब नहीं है, ना हेलो ना हाय, बस अभी लगा हुआ है सुबह से. What are you doing? Now we are going Noida. आते से बहुत लेट हो जाएगा. वैसे हमारी प्लानिंग थी 8:30 तक वहाँ पहुँच जाएं, पर अभी 8:30 तक अभी हम पालम फ्लाईओवर पर ही हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है. अगर होप सो अगर हमें ट्रैफिक नहीं मिलता है तो हम 9:30 तक पहुँच जाएंगे. न्यू शूज है जो उसको उसके बड़े पापा ने दिए थे, और ये अपने बड़े पापा को चैंप बोलता है. क्या बोलते हो? चैंप. आप लोगों को भी अपडेट देना है कि जब बच्चे 2 साल तक हो जाते हैं, होने वाले होते हैं या हो चुके होते हैं, वो सभी चीजों को रिपीट करते हैं. और आर्नर भी हमारी जितनी भी बातें हम बोलते हैं तो उसको सबको कैच करता है, तो हमें इसके सामने सोच समझ के बोलना पड़ता है कि क्या बोले, क्योंकि समटाइम्स इसके दिमाग में वो क्लिक हो गया और इसने किसी के सामने भी वो बात बोल दी, तो दैट इज़ वेरी एम्बेरसिंग. तो बच्चों के सामने आपको हमेशा ही कोई भी चीज़ जो बोलनी है सोच समझ के बोलनी है. और इस समय जो बच्चों का माइंड होता है या बच्चे होते हैं, वो काफ़ी कैची हो जाते हैं, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, हर चीज़ को कैच करते हैं.
ऑब्जर्विंग द थिंग्स, सब जगह देख रहा है कि कौन सी चीज़ें हैं। और यहाँ पर कुछ ट्रक भी दिखे हैं तो उसने बताया है कि ये ट्रक हैं। जनरली ये सारे व्हीकल्स के नाम जानता है क्योंकि ये जब अपने दादू के साथ जाता है तो दादू के साथ हर एक व्हीकल को बार बार रिपीट करता है। और मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था कि बच्चों को बाहर ले जाने से वो काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो जिसमें से एक फ़ायदा ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली व्हीकल्स के नाम जान चुका है। आप जान के भी हैरान हो जाओगे कि दिल्ली में भी इतने अच्छे अच्छे एरिया हैं जिसको देख के आंखें खुश हो जाती है। भाई दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली कैसे पीछे रह जाएगी। दिल्ली में भी सब कुछ है, दिल्ली है दिल वालों की। बच्चे जब खुद खाना सीखते हैं तो ऐसा नजारा देखने को मिलता है। अभी हम एक्चुअली फ्लाईओवर के ऊपर चढ़े थे तो तनु ने बोला ऊपर, तो समझ नहीं आता है कहाँ जा रहे हैं हम, कि ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। ये क्या है बिट्टू, ये बताना तनु, ये क्या है? क्या था? ट्रक कह रहा है ये। जब भी कोई व्हीकल्स देखता है, अभी रोड पे ही हम, तो ये सभी व्हीकल्स के नाम बताता जाता है, उनको रिमाइंड करता जाता है। और ये भी अच्छा ही है, और हम भी कोशिश करते हैं कि सभी जितने भी व्हीकल्स रहते हैं बढ़ रहे हैं हम पूछते जाते हैं कि क्या है ये क्या है। तो ये बताता है कि ये बस है, ये ट्रक है, ये बाइक है, ये स्कूटी है, ये रिक्शा है। चलो ये क्या है, क्या है ये? और आपको पता ही है कि जब ये बस देखता है तो क्या करता है बिट्टू, पीप पीप करना। पापा दिख रहे हैं ना, हाय गाइस। हम लोग डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करके अब वापस जा रहे हैं घर की तरफ को, और तनु बहुत शरारत कर रहा है।